नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको RS भर्ती 2018 से संबंधित न्यूज़ दिखाएंगे। देखिए न्यूज़ किस प्रकार है। RS भर्ती 2018 की प्री परीक्षा में विशेषज्ञ कमेटी द्वारा सब स्टैंडर्ड बुक के अनुसार अंतिम आंसर की तैयार करने के मामले अदालती आदेश की पालना में RPS चेयरमैन दीपक उप्रेती को शुक्रवार को हाईकोर्ट में पेश हुए हैं। RPS चेयरमैन ने अदालत में कहा, प्रश्न पत्रों को तैयार करते समय RPS पूरी सावधानी बरतता है, कई चरणों पर जांच की जाती है, इसके बाद भी अंतिम रूप से प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। अंतिम उत्तर कुंजी को निष्पक्ष विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया जाता है, उसमें गलती की संभावना नहीं होती है, लेकिन यदि भविष्य में कोई गलती रहती है उसे कर लिया जाएगा। RPS का पक्ष जानने के बाद अदालत ने RPC के अधिवक्ता MF वे को कहा कि वे इस संबंध में शपथ पत्र पेश करें। अदालत में यह अंतरिम निर्देश जितेंद्र कुमार वन्य की याचिका पर दिया गया। याचिका में कहा था कि RPC ने RS भर्ती 2018 मॉडल आंसर की आपत्ति मांगी थी। आपत्तियों को NCERT राजस्थान के हिंदी ग्रंथ अकादमी को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किताबों के जरिए दर्ज करा दी गई थी, लेकिन फिर भी RPC विशेषज्ञों ने निजी पब्लिकेशन की बुक के अनुसार प्रश्नों के जवाब को सही माना है। इसी के अनुसार अंतिम उत्तर कुंजी जारी की, जो गलत है। ये थी दोस्तों RS भर्ती 2018 से संबंधित न्यूज़। इसी प्रकार की न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।